नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवर्बन नक्सल। दोस्तों आज मैं आपको आपके खुद के पावर के बारे में बात करना चाहता हूं, आपको अपना पावर याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों एक कहावत है इंग्लिश में, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट दैट मैटर्स, इट इज द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। इसका मतलब यह है कि अगर दो कुत्तों की लड़ाई होती है तो ये मत देखो कि बड़ा कुत्ता कौन सा है छोटा कुत्ता कौन सा है। कभी कभी छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को मात दे देगा। अगर छोटे कुत्ते के अंदर लड़ने की ताकत या लड़ने की क्षमता या लड़ने की भावना अगर सही है, अग्रेशन है, तो वो छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को पछाड़ देगा, भगा देगा, डरा देगा। और ये हम बार बार देखते हैं। ये जो कुत्तों के बारे में कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जिस कुत्ते में ज्यादा एग्रेशन रहता है, जिस कुत्ते के अंदर ज्यादा आक्रामकता है, वो कुत्ता जीतता है। जीतना हारना आपके साइज के ऊपर नहीं है, आपके आक्रामकता के ऊपर है और आपके दिमाग के अंदर जो चीज चल रही है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है, उसके ऊपर आधारित है। आप फ्लैट बायर हो, आप जाते हो बिल्डर के पास, तो आपकी जो अंदर की जो भावना है वो क्या है? पब्लिक ये भूल गई है कि आपके पास पैसे हैं, पैसे आपके पास हैं, परचेजिंग पावर आपके पास हैं, चाहे वो पांच लाख का हो, चाहे वो 50 लाख का हो, चाहे वो 5 करोड़ का हो, लेकिन वो जो पावर है, पैसे देने का पावर, वो आपके पास है। भले वो लोन लेके पैसे देने का पावर, लेकिन पैसे देकर फ्लैट खरीदने का पावर आपके हाथों में है, जब तक आप उस पावर को गिव अप नहीं कर देते हो, जब तक आप जानबूझ के या अनजाने में अपने फ्लैट पैसे देने का पावर गवा नहीं देते हो। बिल्डर्स आपको ये बात भुलाना चाहते हैं। आज थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया था। उस बंदे ने कहा, सर मैं नवी मुंबई में फ्लैट लेना चाहता हूं, और मैंने बिल्डर से बात किया और बिल्डर कह रहा है कि ओसी है, सीसी है, लोन को जो भी पेपर्स चाहिए सारे पेपर्स हैं, यानी प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है, मैं ले लूं, यानी हो गया है, इट इज नॉट अंडर डेवलपमेंट, इट इज नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, वो हो चुका है, तैयार है, मैं ले लूं। तो मैंने कहा, उसने तो बिल्डर कह रहा है कि ओसी है सीसी है। हाँ सर, लेकिन रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने कहा वो सब छोड़ दो, ओसी है सीसी है, कहा बिल्डर ने। हाँ सर। मैंने कहा उसने आपको दिया? नहीं सर। तो मैंने कहा मांगो मांगो, ओसी और सीसी देने दो, दिखाने दो, स्कैन करके मेरे पास भेजो। तो बोले, सर मैं बिल्डर से मांग के देखता हूं, पूछ के देखता हूं। मैंने कहा पूछ के देखने की बात क्या है? उसने कहा, सर मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे वकील ने कहा है कि मैं वो ओसी और सीसी देखना चाहते हैं। मैंने कहा, यार तुम परचेजर हो, तुम ग्राहक हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास दुनिया में कोई भी, यानी मुंबई में या मुंबई से बाहर भी कोई भी फ्लैट लेने की ताकत है। जब तक तुम्हारे पास वो ताकत है, वो ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उस पावर का इस्तेमाल करो ना। बिल्डर से कहो, देखो ओसीसीसी भेजो तो मैं कंसिडर करूंगा तुम्हारे प्रॉपर्टी को। अगर ओसीसीसी वगैरह जो भी पेपर्स हैं इन, और आगे बोलता हूं मैं, लेकिन ओसीसीसी जो पेपर्स हैं वो मेरे पास भेजो, तब मैं कंसिडर करूंगा। आप बिल्डर से कहो ना। और उसने कहा, अगर उसने नहीं दिया तो? मैंने कहा, अगर उसने नहीं दिया तो पलट के निकल लो, तो फिर वो देखने के लायक नहीं है। आप ऐसे कह दो कि भाई मैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, चले जाओ, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे थोड़ी है कि वो बिल्डर के अकेले के पास वो प्रॉपर्टीज हैं और दूसरे प्रॉपर्टीज नहीं है।
वो सोचने में पड़ गया, फिर उसने कहा हाँ हाँ मैं ऐसे करता हूं, मैं बिल्डर से कहता हूं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपके पास ये पावर है, ये पावर आपके अंदर है, आप ग्राहक हो। अब हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और सेल्स ऑफिस की बात करते हैं। तो जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो तो आप अपने सारे पावर्स को उतार कर बिल्डर के हाथ में दे देते हो। कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जिसका भी हो, गोदरेज, रुणवाल, लोधा, कोई भी बिल्डर, वाधवा, यू नेम इट। लेकिन आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो आप अपने सारे पावर्स निकाल के बिल्डर को अपने हाथ में सौंप देते हो। गुजराती में कहते हैं कांडा कापी ने आपी देवाना, मतलब अपने हाथों को काट के बिल्डर दूसरों के हाथ में सौंप दो अपने हाथों को। तो इस तरह से जो ये जो काम है, अपना सारा पावर निकाल के बिल्डर को दे देना, अपने आप को हेल्पलेस कर लेना, मजबूर कर लेना, अपने ही हाथों से अपने आप को मजबूर करना, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना ऐसा काम है। क्यों? क्योंकि बिल्डर आपको प्रॉमिसेस दे रहा है, वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है, वो दे नहीं रहा है आपको, और आपसे पैसे वो प्रॉमिस नहीं ले रहा है, वो एक्चुअल में पैसे ले रहा है। तो एक्चुअल में लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, अंडर कंस्ट्रक्शन का जितना स्टेज हुआ है, टेंथ फ्लोर तक हुआ है, तो उतना वो उतने का वो अमाउंट ले लेगा। ये सब जो कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो आपसे आपका पावर छीन रहा है, और आप जाने अनजाने में खुली आंखों से आप अपने पावर को उसके हाथ में डाल रहे हो। पावर का बैलेंस होना दोस्तों बहुत जरूरी है। पावर का संतुलन कोई भी रिश्ते को बनाए रखता है। अगर पावर का संतुलन है तो आप बिल्डर को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। वो अगर आपको कोई प्रॉमिस दे रहा है, उस प्रॉमिस को निभाने के लिए आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो, जब तक पावर का संतुलन है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाता है तो आपका पावर उसके हाथ में चला जाता है, आपके पैसे उसके हाथ में चला जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। संतुलन बिगड़ जाता है तो नीयत बिगड़ जाती है, फिर बिल्डर की नीयत बिगड़ती है, और बिल्डर की क्या, किसी की भी नीयत बिगड़ेगी। एक बात कहता हूं आपसे, ऐसे मत सोचो कि लोग ईमानदार या बेईमान होते हैं, यह नहीं है। ईमानदारी को बनाए रखने के लिए पावर का संतुलन रखना, सही तरह से संतुलन रखना जरूरी है। अगर आप खुद चल के, सामने चल के संतुलन को बिगाड़ देते हो तो फिर ईमानदारी के बारे में आप सोचो भी मत। कोई ईमानदार नहीं होगा, कोई भी नहीं। संत महात्मा भी ईमानदार नहीं रहते हैं अगर उनके हाथ में पावर दे दो। तो प्लीज हमेशा पावर का संतुलन बनाए रखो। अब पावर का संतुलन कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको बिल्डर पूरे डिटेल्स नहीं देता है, जो भी आप मांगो वो डिटेल्स नहीं देता है, आप उसके ऑफिस में एक कदम, एक एक क्षण के लिए भी मत रहो, या उसके, मैं कहता हूं, उसके ऑफिस में कदम ही मत रखो। वो कहेगा सर आप आइए, हम आपको दिखाएंगे। गलत है, गलत तरीका है। आप कहिए आप मुझे ये पेपर्स भेजिए, तब मैं आके देखूंगा, ये सही तरीका हो। आप कहते हो यार ऐसा कोई बिल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पैसे नहीं चाहिए। मैंने बिल्डर्स से अग्रीमेंट के पेपर्स निकलवाए हैं, उनके उन्होंने जो पुराने अग्रीमेंट्स किए हैं वो भी पेपर्स मैंने निकलवाए हैं। कैसे? भाई मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन तुम मुझे दिखाओ एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। अगर नहीं दिखा रहे हो तो छोड़ दो। और जेन्युइनली आपको दिखाना चाहिए कि मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर आप मुझे कन्विंस नहीं करते हो तो। आपके अंदर से वो आना चाहिए, यानी आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, आप ढोंग नहीं कर सकते हो, आप अंदर से ही अपने पावर को महसूस करो। अग्रीमेंट का हर क्लॉज आपको अगर पसंद नहीं है तो आप उसको ठुकरा सकते हो,
पहली बात समझ लो, ठीक से समझ लो आपका पावर क्या है। अग्रीमेंट का हर एक क्लॉज, हर एक सेक्शन आपके लिए अनुकूल होना जरूरी है, ये आपका पावर है। उसके जो भी लिटिगेशंस वगैरह हैं, कुछ भी हैं, केसेस हैं वगैरह, आपके लिए जरूरी है कि वो आप समझो कि केस क्या चल रहा है। जमीन के ऊपर केस है, हाई कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में है, जिधर भी है, वो केस क्या है, वो केस से मेरे ऊपर कौन सा रिस्क आ रहा है, ये समझना आपका हक है, आपका ड्यूटी है और आपका राइट भी है। और आप अगर कहते हो नहीं यार मुझे वो सब देखना नहीं है, सिर्फ बिल्डर एक प्रॉमिस दे रहा है, मैं प्रॉमिस को ले लूंगा, तो आप अपने खुद के साथ गलत कर रहे हो। आप अपने पैसे बिल्डर को अंधविश्वास के आधार पर दे रहे हो। अगर अंधविश्वास करोगे बॉस तो कोई तुमको नहीं बचाएगा और बचाना भी नहीं चाहिए। तुम अंधविश्वास को छोड़ो बिल्डर, और तुम जानते हो अंधविश्वास किस पर कर रहे हो। सब लोग कहते हैं बिल्डर चोर है, एक के एक बच्चा बच्चा कहेगा बिल्डर लोग चोर होते हैं, बच्चा बच्चा कहता है बिल्डर लोग गुंडे होते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं, ये भी कहते हैं, बच्चे बच्चे कहेंगे बिल्डर करप्ट होते हैं। तो ये सारा वही लोग कह रहे हैं, यानी आप ही लोग कह रहे हो। अब आप ही लोग फिर भी कहते हो नहीं लेकिन बिल्डर ने ऐसा प्रॉमिस किया है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। यार आप ही लोग ये भी कहते हो कि गवर्नमेंट करप्ट है, आप ही लोग कहते हो कि पैसों का बोलबाला है। अगर किसी के पास पैसे हैं, पावर है, इन्फ्लुएंस है, लेन देन करने का, लागवक करने का पावर है, तो वो कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट में। आप ही लोग कहते हो ना पब्लिक, फिर आप ही लोग कहते हो कि नहीं मुझे रेरा पर भरोसा है। कैसे, क्यों? रेरा पर भरोसा होना अच्छी बात है। आप ही लोग कहते हो कानून व्यवस्था चलती नहीं है, कोर्ट चलता नहीं है, कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। आप ही लोग कहते हो कि यार आम आदमी के लिए कोर्ट है ही नहीं, और फिर आप अग्रीमेंट में जाके साइन करके आते हो ऐसे समझ के कि अगर बिल्डर टेढ़ा नहीं चला तो आप कोर्ट में जाओगे। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है, मुझे ये बताइए। अंधविश्वास को छोड़ो, पहले अपने पैसों के पावर को एक्सरसाइज करो। आपके पास फंड्स हैं, चाहे वो 5 लाख रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन वो 5 लाख रुपए बिल्डर्स चाहते हैं। अब उसी 5 लाख रुपए के जोर से बाकी का सब आपको आप जो भी दोगे लोन से दोगे, वो 5 लाख रुपए के जोर से आप बिल्डर को कह सकते हो भाई साहब एक काम करिए, मैं आपको टोकन वोकन कुछ नहीं दे रहा हूं, पहले आप मुझे सारे पेपर्स दो जिसके आधार पर मैं लोन करूंगा, जिसके आधार पर मैं मुझे लोन मिलेगा, वो सारे पेपर्स का जेरोक्स दो। बिल्डर कहेंगे नहीं सर आप टोकन करो फिर हम आपको सीरियस कस्टमर मानेंगे, आप चलते बनो। ये टाइप के कंडीशंस को एक्सेप्ट मत करो आप। ये उनके वो कहेंगे सर आप प्रूव करो कि आप सीरियस बायर हो, आपके लिए जरूरी नहीं है ऐसे प्रूव करना कि आप सीरियस बायर हो। अगर उसको शक है, शंका है अपने मन में, विश्वास नहीं है कि आप सीरियस बायर हो तो छोड़ दो, प्रूफ करने बैठो मत। आप ये कहो मुझे ये सारे पेपर्स चाहिए जिससे मैं समझ सकूं कि मुझे लोन मिलेगा, कितने का लोन मिलेगा, क्या मिलेगा या मिलेगा या नहीं। मैं जाके ये पेपर्स मेरे वकील को भी दिखाऊंगा, मेरे बैंकर को भी दिखाऊंगा, लोन के लिए भी बात करूंगा, मैं खुद भी सोचूंगा कि इससे मैं फ्लैट लूं या न लूं, बुक करूं या न करूं। वो कहेंगे सारे पेपर्स रेरा में है, आप कहिए सर जो भी पेपर्स रेरा में है मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो, मुझे डाउनलोड करके भेज दो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो या ईमेल पे भेज दो या एक्चुअल प्रिंट आउट करके मुझे पेपर्स दे दो, आप अपने प्रेफरेंस से आप ले लीजिए। लेकिन
उनको ये मत कहिए, कहने दो कि सर आप जाइए रिसर्च करिए हमारे बारे में, गलत है। अगर वो आपको सेल करना चाहते हैं, अगर उनके सेल्स वाले लोग आपको फॉलो अप कर रहे हैं, ब्रोशर्स भेज रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह भेज रहे हैं, वीडियोस का लिंक दे रहे हैं, तो वो इतना मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं आपको कि रेरा से डाउनलोड करके आपको दे दें? देने दो ना। वो रेरा से आए हुए पेपर्स को देखिए आप। लेकिन कहने का मतलब है आप अपने पावर का तो इस्तेमाल करिए पहले। दोस्तों बहुत पहले एक बुजुर्ग हुआ करते थे जो हमारे टच में थे, और उस बुजुर्ग ने कहा, यानी वो उन्होंने काफी कुछ उखाड़ा अपने अपने लाइफ में, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, लेकिन उनका एक कहावत था। वो कहा करते थे, दुनिया में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय की शक्ति। यानी वो लक्ष्मी को भी बाजू में रख देते थे। वो कहते थे सिर्फ और सिर्फ शक्ति। थोड़ा सा रिलीजियस थे इसलिए वो शक्ति मतलब माँ दुर्गा या पार्वती का जिक्र कर रहे थे शक्ति कह के। लेकिन मैं उसी बात को थोड़ा विस्तार में कह रहा हूं, मोर सेक्युलर भाषा में समझा रहा हूं कि दुनिया में एक ही चीज का खेल है। लक्ष्मी भी अगर आती है तो शक्ति के पीछे पीछे चल के आएगी। आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है, आपके पास जब तक आपके पास पैसा है और उस पैसे को देने का पावर है, उस पैसे को इस्तेमाल करने का पावर है, तब तक आपके पास ताकत है, शक्ति है। उसका आपको एहसास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरी शक्ति है। आप अगर उसी चीज को सामने वाले के हाथ में डाल देते हो, उसके झोले में डाल देते हो बिना सोचे समझे, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हो जिससे शक्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने के बाद आप कहते हो मेरे साथ गलत हो रहा है, बिल्डर ने मेरे पैसे ले लिए हैं, अब वो लौटा नहीं रहा है। बिल्डर को पैसे आपने दिया था, हाँ आपने अपनी इग्नोरेंस की वजह से दिया, सही है, आपने समझा नहीं, उसने आपको उल्लू बनाया, सही है, उसने आपके ऊपर छल किया, कपट किया, आपको फंसाया, सही है, उसने सेल्स ऑफिस में बुला के आपको मोहित कर दिया, आपके ऊपर मोह माया का जाल बिछा दिया, ठीक है, अग्रीड। लेकिन ये सब कुछ रेजिस्ट करने का काम, मोह माया से बाहर निकल के देखने का काम किसका है? आपका ही तो है। अपने आप को बचाने का काम किसका है? आपका ही तो है। तो हम अगर यानी लोग लड़ते रहेंगे बिल्डर के अगेंस्ट, जब वो आपको जब आप ठगे जाओगे तब आप लड़ोगे। ठगे जाने से पहले थोड़ा तो अपने पावर का एहसास रखो यार, थोड़ा तो समझो आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है। आप जब तक पैसे नहीं देते हो तब तक वो पावर आपके पास है। तो ये मैं आपको आपका खुद का पावर याद दिला रहा हूं। और एक बहुत ही पुराना फ्रेज है जो यानी 1980s और 90s में काफी हम लोग बात किया करते थे, लेकिन उसके बाद कोई उसका जिक्र नहीं करता है। मैं आपको उसका भी याद दिला रहा हूं, कंज्यूमर रेजिस्टेंस कहते थे उसे। कंज्यूमर रेजिस्टेंस यानी कि ग्राहक का रेजिस्टेंस, ग्राहक क्या कहूं, रोकेगा या लड़ेगा अन्याय के अगेंस्ट। तो आप कंज्यूमर रेजिस्टेंस दिखाओ। बिल्डर्स अपना काम कर रहे हैं, वो तो वही करेंगे, वो तो उनके तरफ से ही काम करेंगे, आपके तरफ से तो नहीं करेंगे। आप अपने तरफ से काम करना, अपने लिए लड़ाई लड़ना, अपने हक बचाए रखना, कायम करना, ये सब आपका काम है, ये उनका काम नहीं है। कोई सामने चल के अधिकार देता नहीं है, अधिकार लेना पड़ता है, हक लेना पड़ता है, कोई सामने चल के नहीं देता है। तो मैं आपको अपना पावर याद दिला रहा हूं, कंज्यूमर रेजिस्टेंस करने का।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष देवर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।